मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत खास है, इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, तुम कहते हो कि बाबा, मैं सबके लिए इतना करता हूँ, लेकिन कभी भी कोई अपना मेरी तारीफ के तो शब्द नहीं बोलता, मैं क्या करूँ। तो बच्चे, मैं जानता हूँ और देखता हूँ तुम सबके लिए सब करते हो, वो भी प्यार से। मैं तुम्हें आज शाबाशी देता हूँ और ये आश्वासन भी देता हूँ, जल्द तुम्हारे अपने तुम्हारी कदर करेंगे, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो। तुम डरना नहीं, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, गिरने नहीं दूँगा, साथ मिलकर हम दोनों ये रास्ते पार लगाएंगे। तुम अन्नदान करो, तुम्हारे पिछले कर्मों का अंत होगा। गुस्सा आए तो भी शांत रहो, तुम सही होते हो पर शांत रहो, सबकी मदद करो। मैं सब देख रहा हूँ, क्या हो रहा है, कौन कैसा बर्ताव कर रहा है, सही समय आने पर मैं सबको समझाऊंगा भी और तुम्हें सब दूंगा भी। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो फिर लोगों को माफ़ करना सीखो और परिस्थिति चाहे जैसी भी हो उसे स्वीकार करना सीखो। हर किसी के जीवन में कुछ लोग हैं जिनके साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होते, तो ऐसे लोगों के साथ जितना कम बात करोगे उतना तुम्हारे जीवन के लिए और तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम उनसे नाराज रहो या उनसे नफरत करो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम उनके साथ संबंध तो रखो, लेकिन तब बोलो जहाँ ज़रूरी है। लेकिन मैं एक बात और तुम्हें बोलना चाहूँगा कि इन्हीं लोगों में से किसी को भी तकलीफ़ हो या परेशानी हो और तुम यह जानते हो, तो तुम पीछे ना मुड़ना बल्कि आगे बढ़कर उनकी मदद करना। जब तुम ऐसे लोगों की मदद करते हो जिन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो तुम्हारा भगवान यह देखता है और वह तुमसे प्रसन्न होता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं कहता हूँ तुम उन लोगों की भी मदद करो। तुमने अपने लिए कुछ करने का सोचा है, अपने अच्छे के लिए ही सोचा है, तो उससे तुम स्वार्थी नहीं बन जाते हो। इसलिए वो जो सोचा है वह शुरू करो, मेरा आशीर्वाद है उस काम के लिए। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, पहले अब अपने बारे में सोचना शुरू करो। तुम मेरे सामने रोज़ दिया जलाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात हमेशा याद रखना, कोई दर्द या इंसान चाहे जितनी भी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तुम्हारा ये साइन तुम्हें टूटने नहीं देगा, क्योंकि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा कर रहा हूँ। हमेशा आशावादी रहो जीवन में, बाकी मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए, तुम्हारे लिए जो सर्वोत्तम है वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।